नमस्ते गाइस, राजेश अपन नमस्ते टेक, और इस वीडियो में मैं दे रहा हूं आपको iPhone 12 के कैमरा फीचर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। वैसे तो iPhone के कैमरा ऐप में आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी जो इमेज क्वालिटी है, जितने आपको इमेज एडिटिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो आपको थर्ड पार्टी इमेज एडिटर और वीडियो एडिटिंग के एप्स मिल रहे हैं, वो सब आपको एंड्रॉयड फोन्स में नहीं मिलते। प्लस इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है और ओवरऑल जो एक फोटो लेने का एक्सपीरियंस है वो इनक्रेडिबली स्मूथ है। दूसरे एंड्रॉइड फोन्स इसे अभी भी मैच नहीं कर सकते हैं, और इस मामले में मैं कहूंगा कि इन सब रीजंस के कारण iPhone 12 जो है ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट एंड शूट स्मार्टफोन कैमरास का एक्सपीरियंस ऑफर करता है। तो iPhone 12 में आपको क्या क्या कैमरा फीचर्स मिल रहे हैं वो आप इस वीडियो को देखते रहिए जानने के लिए। यहाँ पे मैं आपको iPhone 12 के कैमरा फीचर्स दिखाऊंगा, लेकिन यही सारे फीचर्स आपको iPhone 12 मिनी और iPhone 12 Pro में भी मिलेंगे। iPhone 12 Pro Max में एक दो नए फीचर्स है, बट मोस्टली जो इंटरफेस और फीचर्स सब कुछ हैं, कोर फीचर्स, वो सब सेम होंगे। कैमरा ऐप जो है ओपन करते हैं, देख सकते हैं बहुत जल्दी खुल जाता है और बहुत ही स्लिक इंटरफेस है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है आईफोन के कैमरा ऐप की, वो ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी प्रीव्यू दे देता है। अभी तो आपको यहाँ पे ब्लैक बार्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे किसी दूसरे सीन पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस करूंगा जहाँ पे कैमरा ऐप डिटेक्ट करेगा कि हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी शॉट्स लिए जा सकते हैं, यूजफुल होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये ब्लैक बार्स की जगह अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी एक प्रीव्यू मिलेगा। और ये जो स्विचिंग होती है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और प्राइमरी कैमरा के बीच में, बहुत ही स्मूथली अच्छे स्लिक एनिमेशन के साथ होती है। आई विश कि ये जो दोनों फीचर्स हैं, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का प्रीव्यू और ये जो स्लिक एनिमेशन है बिटवीन स्विचिंग कैमराज, ये एंड्रॉयड OEMs भी अपने फोन्स में कॉपी कर ले। कैमरा फीचर्स की ओर बढ़ते हैं, ऊपर आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लैश को ऑन ऑफ करने का, यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सेकेंड जो बटन है, इससे आप जो नाइट मोड है उसे कंट्रोल कर सकते हो। नाइट मोड यहाँ पे आपको जो मिल रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और प्राइमरी कैमरा दोनों के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि नाइट मोड की जो एक्सपोजर है वो कितनी होगी। यहाँ पे अभी तो 1 सेकंड दिखा रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सीन ये अप टू 8 या 16 सेकंड्स भी जा सकता है। इसके बाद इस बटन से आप लाइव फोटोज को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। लाइव फोटोज बेसिकली मोशन फोटोज होते हैं। इसमें जो है कैमरा एप्लीकेशन फोटो खींचने के 1 सेकंड पहले और फोटो खींचने के 1 सेकंड बाद का जो फोटोज है उसे भी सेव करता है। तो बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो क्लिप एक सेव हो जाती है एक तरह से, आप बोल सकते हो। एंड ये एक्चुअली यूजफुल हो सकता है अगर आप बहुत किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो खींचने का ट्राई करो, किड्स, पेट्स, इन सब के लिए बहुत सूटेबल है। कभी कभी काफी फनी फोटोज इसमें कैप्चर हो जाते हैं। मेन जो थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। यहाँ पे आप टैप करोगे तो फ्लैश तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो, ज्यादा ग्रैनुलर ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास ऑटो ऑन या फ्लैश ऑफ का, ऊपर सिर्फ फ्लैश ऑन या ऑफ होता था। इसके बाद नाइट मोड का जो ऑप्शन मैंने आपको पहले दिखाया वो है। इसके बाद लाइव ऑटो ऑन या ऑफ, तो यहाँ पे आप लाइव फोटो को ऑन और ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ऑटो मोड में डाल सकते हो जहाँ पे कैमरा जब डिटरमाइन करेगा तब वो फोटोज को लाइव फोटोज की तरह सेव करेगा, अदरवाइज रेगुलर फोटो की तरह। वैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइव फोटो सेव करो कि रेगुलर फोटो सेव करो, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। वो खाली जब आप फोटोज अपने आईफोन में देखोगे तभी आपको वो जो मोशन है वो दिखेगा। इसके बाद आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो, 4:3, 16:9 और स्क्वायर का ऑप्शन है। एक्सपोजर चेंज करने का ऑप्शन है, और लास्ट में टाइमर का है, 3 सेकंड और 10 सेकंड का ऑप्शन है। 5 सेकंड का मिसिंग है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। फ्रंट कैमरा में आप स्विच करोगे तो सेम ही ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। फ्रंट कैमरा के लिए भी आपको नाइट मोड का सपोर्ट मिलता है आईफोन 12 में, ये पुराने आईफोन्स में नहीं है। और यहाँ पे भी आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल रहा है, बट इसमें क्या है कि फोन जो डिस्प्ले है उसको फ्लैश की तरह यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट में कोई फ्लैश तो ऐसे मिल नहीं रहा है। एंड लाइव फोटो का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अब बात करते हैं वेरियस कैमरा मोड्स की। नीचे आपको फोटो मोड दिख रहा है, इसके बाद है आपका पोर्ट्रेट मोड। ये बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोज लेने के लिए है, क्योंकि iPhone 12 और 12 mini में आपको कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलता, तो जो प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का सेंसर है फोन उसी से पोर्ट्रेट फोटोज लेता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वेरियस लाइटिंग इफेक्ट्स यूज करने की, एंड यहाँ पे भी आपके पास फ्लैश का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप चाहो तो जो ब्लर की इंटेंसिटी है पोर्ट्रेट फोटोज की उसे कंट्रोल कर सकते हो। जितना आप एपिचर कम करोगे ब्लर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना आप इसे बढ़ाओगे ब्लर की इंटेंसिटी उतना कम हो जाएगी। फ्रंट कैमरा के लिए भी आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद है आपका पैनोरामा मोड, जिससे कि आप पैनोरामिक फोटोज ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी पैनोरामिक फोटोज लेने का सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट कैमरा से आप पैनोरामिक फोटोज नहीं ले सकते। एक कैमरा रिलेटेड टिप मैं आपको जरूर बताता हूँ यहाँ पे।
अगर आप जो कैमरा की शटर बटन है इसे प्रेस करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और जो आप व्यू फाइंडर में देख रहे हो उसी एस्पेक्ट रेशियो और उसी में करेगा और कुछ नहीं। अब अगर आपको चाहिए कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ये शटर बटन को छोड़ो तो आप सिर्फ ऐसे स्लाइड कर दो राइट की तरफ अपना फिंगर और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी भले ही आप अपना फिंगर स्क्रीन से हटा दो। तब भी फोटो मोड में आपको अप टू 5x जूम का सपोर्ट मिल रहा है, इससे ज्यादा जूम नहीं है, ये डिजिटल जूम है ना कि ऑप्टिकल जूम, पर 5x तो भी थोड़ा कम है क्योंकि बाकी एंड्रॉइड फोन में आपको अप टू 10x मिलते हैं। दो इन सब जूम्स लेवल पे क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद है आपका वीडियो मोड्स। तो सबसे पहला जो मोड है वो रेगुलर वीडियो मोड है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 0.5x और 1x यानी कि प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के बीच में स्विच करने का। फ्लैश कंट्रोल कर सकते हो आप ऊपर, ये जो ऊपर टाइमर है इससे आपको वीडियो की लेंथ का एक आइडिया मिल जाएगा जब आप रिकॉर्ड करोगे, एंड यहाँ से आप टैप करके जो वीडियो की रेजोल्यूशन है उसे चेंज कर सकते हो और जो फ्रेम रेट है उसे चेंज कर सकते हो। 4K 60fps तक आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो iPhone 12 सीरीज में, और HDR वीडियोस आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा के लिए भी आपको सिमिलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है ये आपका 4K 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और फुल HD में आप इस पे 60fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो में आप जूम करना चाहो तो आपको मैक्सिमम 3x जूम का सपोर्ट मिलता है। वीडियो मोड के बाद है आपका स्लो मोशन मोड जिसमें कि आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 720p रेजोल्यूशन पर 240fps और फुल HD में 120fps तक की स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने का। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है सिर्फ फ्लैश को कंट्रोल करने का, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंकफुली सरप्राइजिंग ये बात यह है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 720p रेजोल्यूशन पे 240fps पे। जैसे ही मैंने रेजोल्यूशन को फुल HD किया आप देख सकते हो कि फोन ऑटोमेटिकली प्राइमरी कैमरा पे स्विच कर जाता है। आई डोंट थिंक कि मार्केट में और कोई फोन है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने देते हैं, तो यहाँ पे एप्पल ने कुछ तो नया किया है। फ्रंट कैमरा से भी आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फुल HD में आप सिर्फ 120fps पे ही कर सकते हो। आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 720p 240fps ये सारे ऑप्शंस यहाँ नहीं है। लास्ट है आपका टाइम लैप्स मोड जिससे कि आप टाइम लैप्स वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, एंड अगर आप फोन को ट्राइपॉड पे रखोगे तो नाइट मोड टाइम लैप्स का एक फीचर भी आपको मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ iPhone 12 Pro सीरीज के लिए है। और अगर आप फोन को ट्राइपॉड पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली एक नाइट मोड टाइम लैप्स मोड भी इनेबल हो जाएगा जो कि लो लाइट में टाइम लैप्स वीडियोस कैप्चर करने के लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा के लिए भी टाइम लैप्स सपोर्ट मिलता है। सो दैट्स अबाउट इट। कैमरा एप्लीकेशन में आपको और कुछ अब मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे यही सारे ऑप्शंस हैं, देख ही सकते हो बहुत कम है। कुछ और सेटिंग्स हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपको फोन के सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा कैमरा में, फिर आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मेट्स का, तो आप चाहो तो वीडियोस जो है वो HEVC और H265 कोडेक से रिकॉर्ड कर सकते हो अपने iPhone 12 में। इसे क्या होगा कि वो स्पेस कम लेंगे, लेकिन हो सकता है कि पुराने फोन्स और कंप्यूटर्स उस वीडियो को प्ले ना कर पाए। और जो मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट है ये आपका जो एग्जिस्टिंग H264 कोडेक है वो यूज़ करता है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा कंपैटिबल है, ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस और PC इस फॉर्मेट को समझते हैं। इसके बाद आप वीडियो के रेजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये तो वैसे आप कैमरा ऐप से भी कर सकते हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि HDR वीडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो इसका टॉगल आपको यहाँ पे मिलेगा। iPhone 12 जो है ये आपका डॉल्बी विजन में HDR वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि आप रिकॉर्ड करने के बाद वीडियोस को डायरेक्टली फोन में ही एडिट भी कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना कि HDR वीडियोस आप सिर्फ 4K 30fps तक रेजोल्यूशन में कर सकते हो, 60fps पे आप जाओगे तो HDR वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसके बाद स्लो मोशन की आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो स्टीरियो रिकॉर्डिंग होती है उसे आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, एंड एक प्रिजर्व सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसमें कि आप जो लास्ट कैमरा मोड या जो भी आपने फिल्टर एस्पेक्ट रेशियो सब चेंज किया था उन सारे सेटिंग्स को आप चाहो तो सेव कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है कि वॉल्यूम अप बटन से आप बर्स्ट फोटोज ले सकते हो, और QR कोड स्कैनिंग का भी ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसे इनेबल ही रखिएगा क्योंकि ये यूजफुल है। और जो यूजफुल ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है कि आप चाहो तो ग्रिड लाइंस इनेबल कर सकते हो, फ्रंट कैमरा के फोटोज को जरूर मिरर करना, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है लेकिन इसे इनेबल कर लेना। व्यू आउटसाइड द फ्रेम जो है यही वो फीचर है जिसमें कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी प्रीव्यू मिलता है डिफॉल्ट प्राइमरी कैमरा यूज करने पे भी। सीन डिटेक्शन, प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग, स्मार्ट HDR, ये सारे ऑप्शंस यूजफुल है और इन सबको जरूर इनेबल रखिएगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ये थे iPhone 12 के कैमरा फीचर्स। आई नो इसमें ज्यादा कैमरा फीचर्स नहीं है, लेकिन जो इसके फोटोज आते हैं और जो इस तरह के आपको इसमें एप्लीकेशन मिलते हैं एडिटिंग के, वो सब एंड्रॉयड फोन्स में आपको नहीं मिलने वाला है। उस वजह से
आईफोन 12 की जो परफॉर्मेंस है कैमरा को लेके वो अनपैरेलल्ड और अनराइवल्ड है मेरे हिसाब से। फोटो एडिटिंग की बात करें तो जो डिफॉल्ट फोटो ऐप है इसमें आपको काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऊपर यहाँ पे आप टॉप राइट में एडिट दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप एक्सपोजर, ब्रिलियंस, हाईलाइट, शेडोज, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन, वाइब्रेंस, वार्म्थ, टिंट, बहुत कुछ है जिसे आप पूरा ट्वीक कर सकते हो। ये सब एक्चुअली प्रॉपर जो आपके एडिटिंग ऑप्शंस है ना वो है। इतने सारे ऑप्शंस आपको जनरली एंड्रॉयड फोन्स में भी देखने नहीं मिलते, वहां पे आपको उल्टा गिमिकी फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। जैसे किसी में होगा कि आप स्काई का कलर चेंज कर लोगे, लेकिन ये जो इतने सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब आपको नहीं मिलेगा सब में। इसको छोड़ के आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल रहे हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड क्रॉप क्रॉप का तो ऑप्शन है ही। एंड क्योंकि आईफोन है तो यहाँ पे जो आपको इमेज एडिटिंग के एप्लीकेशन ऐप स्टोर में भी मिल रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। उतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आपको एंड्रॉयड स्टोर में नहीं मिलने वाले हैं। वीडियो एडिटिंग के ऑप्शंस की बात करूं तो वो भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे अगर मैं एक वीडियो को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑप्शन है इसका एक्सपोजर, हाईलाइट, शेडोज, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब कुछ ट्वीक करने का। यहाँ पे मैं वीडियोस पे फिल्टर भी लगा सकता हूँ। इतने सारे ऑप्शंस एंड्रॉयड फोन के डिफॉल्ट एडिटर में तो नहीं आते, आपको उसके लिए प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड आई गेस यही रीजन है कि क्यों क्रिएटर्स भी जनरली आईफोन ही प्रिफर करते हैं फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो सीरीज में क्या क्या कैमरा फीचर्स मिलते हैं और इनके इमेज एडिटिंग ऑप्शंस कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।